हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कांग्रेस के युवाओं को निःशुल्क वैक्सीन देने की मांग, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रभारी मंत्री सुखराम बिश्नोई की अगुवाई में बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, सभापति दीपक माली, प्रधान प्रतिनिधि खरदाराम गोदारा, गिरधर सिंह सोड़ा, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष यज्ञदत्त जोशी, प्रवक्ता मेवाराम सोनी, एडवोकेट मुकेश जैन समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर केंद्र से युवाओं के लिए निःशुल्क वैक्सीन की मांग की। ज्ञापन में बताया गया कि केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन में राज्यों को अपने हालात पर छोड़ दिया है। राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर भी लगाए, लेकिन वैश्विक कंपनियां राज्यों को सीधे वैक्सीन नहीं देना चाहती है। हमारा देश संघीय ढांचा है, इसे केंद्र सरकार को वैक्सीनेशन खरीद कर राज्यों को निःशुल्क उपलब्ध कराए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि केंद्र सरकार किसी महामारी के टीके निःशुल्क नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति से मांग की है कि केंद्र सरकार युवाओं के लिए वैक्सीनेशन निःशुल्क कराए। जागरूक टीवी की बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।